हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु अरोड़ा। तो आज है वर्ल्ड सुसाइड प्रोटेक्शन डे। तो आज मैं ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मेरी लाइव क्लास में, ताकि मैं ये वीडियो सोशल नेटवर्किंग पे अपलोड करूँ और थोड़ा सा लोगों को अवेयर करूँ, हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको अवेयर करूँ सुसाइड के बारे में। क्योंकि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और हम सभी देख रहे हैं कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है बिटवीन 15 to 25 एज, 15 से 25 के बीच की एज के जो बच्चे हैं, आजकल न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल्स में आप डेली देखते हैं बहुत ज्यादा सुसाइड के केसेस आ रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, शायद इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। देखो, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इस सुसाइड बच्चे को करना क्यों पड़ता है, इतना प्रेशर क्यों है बच्चे के पास कि इतना बड़ा डिसीजन बच्चे को लेना पड़ रहा है कि वो सुसाइड करने को तैयार हो गया है। ठीक है, कुछ सुसाइड केस तो ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक है, आप सुन भी नहीं पाएंगे इतना ज्यादा, और वो कर लेते हैं उसको। तो इतना ज्यादा क्या है, क्यों इतना प्रेशर बढ़ रहा है बच्चों के पास आजकल? तो मेनली जो मैंने पर्सनली थोड़ा बहुत एनालाइज किया है उसमें मैंने तीन चीजें नोटिस करी है कि एक, सबसे पहला, बच्चा जो है आजकल पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगा है, और ये स्ट्रेस उसको खुद अपने आप बिल्डअप नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेस उसके पेरेंट्स से बिल्डअप हो रहा है, उसके आसपास पीयर प्रेशर है उसका, उसके दोस्तों से और थोड़ा बहुत उसके रिलेटिव से। फॉर एग्जाम्पल, उसका दोस्त उससे अच्छे नंबर ले आएगा, उसके पास प्रेशर आ जाएगा, उसके पेरेंट्स, कुछ बच्चों के पेरेंट्स अभी के नहीं, थोड़ा फोर्स भी करते हैं कि आपके दोस्त के इतने अच्छे नंबर आए हैं, आपके इतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, और उसके ऊपर फिर प्रेशर बिल्डअप होता है। सेम चीज रिलेशन में भी बिल्डअप होती है, जो हमारे रिलेटिव हैं, आपके रिश्तेदार, ताऊ जी, मामा जी, मौसी जी, बुआ जी आएंगे कि बेटा मेरे बच्चों को तो इतने अच्छे नंबर आए हैं, आपके तो बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है, बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस हो जाता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और कुछ जगह इतना ज्यादा स्ट्रेस ये ओवर हो जाता है कि बच्चे को फिर इस तरीके के शायद स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं कि शायद मैं सबसे कमजोर हूं और मैं अच्छा जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा, और वो इस प्रेशर से बचने के लिए फिर यही सोचता है। क्योंकि इस एज में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है बच्चों के माइंड में, हम भी इससे गुजरे, सभी गुजरे, तो इस टाइम थोड़ा सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, बच्चा चीजें दिल पे बहुत ले लेता है। ठीक है, तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण जो मैंने देखा है थोड़ा सा एनालाइज कर के, बच्चे के ऊपर जो है ये रिलेशनशिप का बड़ा प्रेशर है आजकल, बच्चा रिलेशनशिप में पड़ जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन चीजों के बीच में पड़ जाता है, और इन चीजों से बहुत ज्यादा सुसाइडल केस निकल कर फिर आते हैं। और तीसरा जो मोस्ट कॉमन प्रेशर है जो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है वो है बुलिंग। बुलिंग मतलब बच्चे का मजाक बनाना, उसका मजाक उड़ाना, छोटी छोटी बातों में उसको उसकी खिल्ली उड़ाना, ये बुलिंग जो है ना ये बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है कभी कभी, और बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, फिर वो इस तरीके का स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाता है। बुलिंग में क्या क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है उसको हो सकता है थोड़ा ओबेसिटी हो, हल्का सा मोटापा हो, तो उसका बहुत मजाक बनाया जाएगा स्कूल में, हल्का सा उसका रंग बहुत ज्यादा फेयर है तो भी मजाक बनाया जाएगा, उसका कलर थोड़ा सा डाउन है तो भी मजाक बनाया जाएगा, उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, उसके कलर को लेकर। ठीक है, ये चीजें सही नहीं है, बुलिंग के कारण मजाक बनाया जाता है। अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ये तो मेनली तीन जो मेरे को लगता है कारण है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, सबसे पहले कारण पे आते हैं, और ये बात मैं डायरेक्टली बच्चों से ही करना चाह रहा हूं, जो 15 से 25 के बीच के एज के बच्चे हैं, इवन उससे आगे उससे पहले, और सभी लोग इसको वीडियो देखें और समझें कि सबसे पहले कारण जो मैंने बताया वो है करियर प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, जो स्ट्रेस बच्चों के ऊपर आ जाता है। इससे कैसे बचना है, पहले तो सभी लोग ये समझ ले, सभी बच्चे, कि बेटा आप सब में अपने अपने अलग ही हुनर है, जरूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में ही आगे निकलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे किड्स होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं। ठीक है, अपना कोई एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर ले, या उनके अंदर स्किल होगी किसी और चीज की, हो सकता है वो बहुत अच्छे पेंटर हो, एक आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो। आजकल इन चीजों को थोड़ा सा पेरेंट्स भी देखें प्लीज, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझें कि कंपैरिजन जब बच्चों में आ जाता है कि आप अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे होता रहता है कि मेरे अंदर तो कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप एक जंगल में रेस लगवाओ, आपने स्टोरी सुनी होगी कई बार, जंगल में अगर आप रेस लगवा रहे हैं और आप ये कहेंगे कि जो रेस पे सबसे पहले चढ़ गया उसको ही जंगल का राजा कह देंगे, तो फिर तो बंदर जंगल का राजा हो जाएगा, शेर तो चढ़ ही नहीं पाएगा, ना ही हाथी चढ़ पाएगा,
है ना। और अगर आप ये कहते कि जो सबसे ज्यादा वेट अपने कंधे पर लेकर चलेगा या जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेट है वही जंगल का राजा होगा, तो फिर हाथी जंगल का राजा हो जाएगा। तो ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हम एजुकेशन सिस्टम में। अपने हर एक बच्चे की क्वालिटी को प्लीज पेरेंट्स पहचाने, और बच्चों आप लोग भी अपनी क्वालिटी को पहचाने। अगर आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर कर रहे हैं और रिलेटिव आपको कंपेयर कर रहे हैं, देन यू हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स, कन्विंस योर पेरेंट्स के मेरे अंदर ठीक है, अगर मैं औरों से कमजोर हूं तो मेरे अंदर औरों से शायद कुछ अच्छी क्वालिटी है। अगर अभी आप नहीं पहचान पाए तो कुछ दिन के बाद पहचान जाओगे, कुछ ना कुछ क्वालिटी सब में होती है। टॉक टू योर पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात है टॉक टू योर पेरेंट्स। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, आप डिप्रेशन में हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कभी कभी होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कभी कभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, रोने का बहुत मन करने लगता है, परेशान से रहते हैं, दिन में कहीं मन नहीं लगता, तो ये सबसे बड़ा डिप्रेशन है इस टाइम आपके ऊपर। तो इससे आपको तुरंत के तुरंत साइड होना है। कैसे बचना है आपको? अगर इस तरीके का प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, डिप्रेशन आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी मेरे को लाइफ में, तो आप ऐसी चीजें करें जिन चीजों पे आपको करने में मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक सुने, अच्छा लाउड म्यूजिक सुने, कहीं घूमने चले जाएं, दोस्त के पास चले जाएं, या सबसे इंपॉर्टेंट बात उस पर्सन से बात करें जिस पर्सन पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। और सबसे जो आपको फायदा पहुंचेगा बात करने से वो है आपके पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करें कि मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, मैं प्रेशर फील कर रहा हूं, प्लीज इस चीज को समझे पेरेंट्स भी बच्चे भी कि प्रेशर डालने से कुछ नहीं होगा बच्चे के ऊपर। अब मैं ये भी नहीं कह रहा बच्चे को लाइटली लो बिल्कुल ही कि ठीक है तू मत पढ़ बिल्कुल भी, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों का केयर करना है हमें, उनको सुनना है। जो ये यंग जनरेशन बच्चे हैं बड़े हो गए हैं अब, तो इनकी बातें हमें सुननी है कि इनको किस चीज का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई का प्रेशर कम से कम उनके ऊपर ना डालें, और प्रेशर डालें तो एटलीस्ट कंपेयर ना करें। जब भी कंपैरिजन आ जाता है ना, उससे बेटर लेकर आ, उससे बेटर लेकर आ, तो यहां बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है और बच्चों को फिर इस तरीके का स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चा आ जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो हमारा आजकल जो परेशानी चल रही है वो बच्चों के साथ चल रही है, रिलेशनशिप जिसमें बच्चा बड़ा इन्वॉल्व हो रहा है आजकल। लड़के जो है वो गर्लफ्रेंड हो जाती है उनकी, जो लड़कियां हैं उनके बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, बहुत सारे आजकल के लड़के पढ़ाई छोड़कर इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन में लग गए हैं। तो एक बात मैं इन यंग जनरेशन वाले बच्चों से कहना चाहता हूँ, रिलेशनशिप वालों से, बेटा ये जो आप अभी रिलेशनशिप में हो, शायद तुम अभी 11th 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, बीकॉम या ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हो इसी में हो, बेटा ये रिलेशनशिप अभी कुछ नहीं पता आपका क्या होने वाला है फ्यूचर में, आप क्या करियर में जाने वाले हो, आपकी जो पार्टनर है वो किस करियर में जाने वाली है, तो इन रिलेशनशिप से आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अगर सबसे पहले अपना करियर बिल्डअप कर लोगे तो कोई भी रिलेशनशिप आपकी इजीली गोइंग फ्लो हो जाएगी। और अभी आप मैच्योर्ड एज पर नहीं हो कि आप अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले सको कि आप लाइफ किसके साथ बिता पाओगे। तो इन तरीके के रिलेशनशिप में जब अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, आपको कोई लड़की छोड़ के चली जाए, कोई लड़की को लड़का छोड़ के चली जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, और इस चीज में फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि जब पेरेंट्स को पता चल जाता है तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज से, फिर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है कि अरे मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, और उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है बच्चों का, फिर उनको इस तरीके के स्टेप लेने पड़ जाते हैं। नहीं बेटा, आप किसी एक ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ को खो रहे हो जिसका शायद आगे पता नहीं क्या होने वाला है, तुम्हारे रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। अगर तुम अपनी लाइफ खो दोगे तो वो तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाएगा, कितने दिन, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रहेगा। लेकिन आप सोचो आपने क्या खोया है, आपके पेरेंट्स ने क्या खोया, आपने अपनी लाइफ खो दी, आपके पेरेंट्स ने भी लाइफ ही खो दी है अपनी, और कुछ नहीं खोया है। समझ में आया? तो बेटा अपने पेरेंट्स के लिए आखिर, जिन्होंने इतना पाला है आपको, इतना बड़ा करा है। हो सकता है कुछ बच्चे पेरेंट्स से बहुत ज्यादा खफा रहते हैं कि अरे मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं, तब भी पेरेंट्स पेरेंट्स ही हैं, उनसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल पर्सन कोई नहीं है, ठीक है। तो आप उनके लिए एटलीस्ट इन रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप में है उनको उतना प्रेशर अपने सर पे ना ले लो इन रिलेशनशिप्स का, करियर की तरफ फोकस करो, इन रिलेशनशिप का इतना प्रेशर अपने सर पे ना ले लो कि आपको इस तरीके का स्टेप लेना पड़े, ठीक है। फिर वही बात मैं बोलूंगा, जब भी कभी ऐसा ब्रेकअप हो जाए, चलो कोई लड़ाई हो जाए अपने पार्टनर से, अपने दोस्त से लड़ाई हो जाए, और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ पा रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप अपने किसी कजन से बात करो जो आपका बहुत ज्यादा क्लोज है, दोस्त से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, और अगर कोई नहीं मिल रहा है आप डायरेक्टली मुझको कॉल कर लो, ठीक है। हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्कशन करना हर चीज में जरूरी है, इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, खुद बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपकी जो पावर है, इंटरनल विल पावर है, वो आपके ऊपर हावी हो, आपकी वीकनेस आपके ऊपर हावी ना हो जाए, ओके। एंड द लास्ट वन इज, जो हम बात कर रहे हैं वो है बेटा बुलिंग, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। बुलिंग जो है ये
आज की बात नहीं है, बहुत पहले से स्कूल्स में कॉलेज में चलता आ रहा है। पहले रैगिंग होती थी, आजकल रैगिंग बंद हो गई, लेकिन बुलिंग अब भी चलती रहती है हर जगह। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, छोटी सी 2 मिनट की। एक बार एक बच्चा था किसी बहुत अफ्रीका के किसी पुराने गांव में। पहले क्या होता था अफ्रीका में, आप लोगों को पता है, अफ्रीका में अमेरिका में थोड़ा सा स्लेवरी होती थी कि व्हाइट पीपल जो थे वो ब्लैक पीपल के ऊपर थोड़ा सा रूल करते थे और ब्लैक पीपल जो थे वो थोड़ा स्लेवरी में रहते थे। इस तरीके का आपने सुना होगा पुराने जमाने में। तो वहां एक पर्सन था, छोटा सा बच्चा था एक, वो एक घर में स्लेवरी करता था, उनके यहाँ एक तरीके से नौकर का काम करता था घर में। और वो बड़ा परेशान रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे और व्हाइट पीपल ने उसको एज अ नौकर रखा हुआ था और बहुत सारा उसको घर का काम कराते थे, सारा काम वही करता था। एक दिन उस बेचारे से एक छोटा सा ना जो ग्लास का हमारा पॉट होता है, फ्लावर पॉट, वो टूट गया। तो उसके मालिक ने उसको बहुत बड़ी सजा दी, कह रहे आज पूरे दिन तू गार्डन ही साफ करेगा और धूप में रहकर बाहर घर के बाहर जाकर गार्डन साफ करेगा। वो बेचारा बड़े परेशान और वो जाकर गार्डन साफ करने लगा। गार्डन साफ करते करते उसको दिखा के बहुत दूर उसको एक बलून उड़ता हुआ दिखा हवा में। उसको वो देखकर बड़ा अच्छा लगा, पहले कभी उसने बलून ही नहीं देखा था अपनी लाइफ में। ठीक है, हवा में बलून उड़ता हुआ नजर आया, उसको बहुत ही अच्छा लगा। उसने देखा ये क्या है, दूसरा बलून उड़ा, तीसरा बलून उड़ा, पहला ग्रीन कलर का बलून उड़ा, फिर ब्लू कलर का बलून उड़ा, ठीक है, और व्हाइट कलर का बलून उड़ा। वो बहुत खुश हुआ उसे देखकर, उसने देखा ये कहां से आ रहा है। वो भागता हुआ गया उस तरफ, वहां जाके उसने देखा तो एक बलून मैन खड़ा था, मतलब गुब्बारे वाला खड़ा था, उसके ऊपर बहुत सारे गुब्बारे थे और वो ऐसे ही गुब्बारे फुला फुला कर हवा में उड़ा रहा था। उसने गुब्बारे वाले के पास गया, उसने पूछा कि सर ये क्या है। गुब्बारे वाला समझ गया कि अच्छा इस बच्चे को आज तक पता ही नहीं है कि बलून क्या होता है। उसने उसे बताया ये बलून है। तो उस बच्चे ने उससे बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन पूछा कि मैंने देखा कि ग्रीन कलर ऊपर गया, ब्लू कलर ऊपर गया, व्हाइट कलर भी ऊपर गया, क्या ब्लैक कलर भी ऊपर जा सकता है? क्योंकि वो बच्चा ब्लैक था तो उसने कहा क्या ब्लैक कलर भी ऊपर जा सकता है। उस गुब्बारे वाला समझ गया कि इस बच्चे की क्या कंडीशन है। उस गुब्बारे वाले ने एक ब्लैक कलर का बलून लिया, उसमें हवा भरी, गैस भरी और उस बच्चे को पकड़ाया, ये लो, और उस बच्चे से कहा कि अपने आप ही ट्राई करके देख लो। उस बच्चे ने उस बलून को छोड़ा और वो ब्लैक कलर का बलून भी ऊपर उड़ने लगा। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, ताली बजाने लगा, बहुत खुश हुआ, ये ब्लैक बलून भी उड़ सकता है, ब्लैक बलून भी उड़ सकता है। उस बलून मैंने उसे समझाया, बेटा ये बलून के बाहर के कलर नहीं है जिसकी वजह से बलून उड़ रहा है, बलून के अंदर जो है बलून उसकी वजह से उड़ रहा है। तो आपके बाहर की बॉडी कैसी भी है उससे आप में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है वो स्ट्रेंथ आपको ऊपर लेकर जाएगी, आपकी बाहर की आउटर बॉडी आपको बिल्कुल भी कहीं भी आपको अगर रुकावट बने तो उसको मत देखें। अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को लेकर आए। वो छोटा सा बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा लीडर बना। ठीक, तो इस स्टोरी को अगर आप समझे तो ध्यान में रखिए कि आपकी आउटर बॉडी जो भी है या किसी और की आउटर बॉडी जैसी भी है, उसका रेस जो भी है, कलर जो भी है, उसको इस चीज से परेशान ना करें। ये बुलिंग आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं बच्चों को कह रहा हूं कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो उसको दिल पे ना लें, फील मत करें, और उनको बल्कि समझाएं कि बुली करना बुरी बात है। और आप लोग भी समझें कि किसी और को बुली ना करें। यार बुली मतलब मजाक नहीं उड़ाना, बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पर कई बार हो जाता है चीजें। तो किसी के मोटापे का, किसी के कलर का, ठीक है, किसी डिसेबिलिटी का आप मजाक ना बनाएं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, एंजाइटी में जाता है, वो सोचता है मैं सबसे अलग हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, और फिर वो इस तरीके का स्टेप लेने लगता है। तो आज सुसाइड प्रिवेंशन डे पे मैंने आपको ये बातें बताई हैं, इन बातों को गौर करें। आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी कभी इस तरीके का डिप्रेशन फील हो, कोई परेशानी फील हो, सिर्फ एक ही तरीका है कि बात करें, अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने किसी कजन से बात करें, किसी टीचर से बात करें, सिर्फ बात करें, डिस्कस करें, अपने अंदर की बातें बाहर निकालें, अपने अंदर बातें दबा के ना रखें। क्योंकि क्या होता है कई बार इतना ज्यादा बातें आप दबा के रख लेते हो, फिर एकदम से छोटी मोटी बातें होती हैं और वो आपको बहुत ज्यादा दिल पे लग जाती है और फिर आप ये इस तरीके का स्टेप लेने में लग जाते हो। तो ये स्टेप बिल्कुल गलत है, लाइफ को लड़ना पड़ेगा। लाइफ तो बेटा सबके साथ फेयर नहीं होती है, अनफेयर लगभग सभी के साथ अनफेयर ही होता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो इनसे लड़ते रहो ना बेटा आगे चल के। और प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद तो हमें परेशानी जब हट जाएंगी तो अच्छी चीजें भी तो मिलेंगी। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप अपना करियर बनाओगे, आगे अच्छी लाइफ भी जियोगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बड़ी बड़ी भी आती रहेंगी, छोटी मोटी खुशियां भी आती रहेंगी, बड़ी बड़ी खुशियां भी आती रहेंगी, तो इन प्रॉब्लम से तो लड़ेंगे हम, सब मिलकर लड़ेंगे भाई, आपस में सब मिलकर लड़ेंगे। समझ में आया? तो आज मान के रखो कि हम आगे से कभी इस तरीके की चीजें नहीं सोचेंगे, चाहे कितना भी बड़ा प्रेशर हो, आप कभी भी अपने लाइफ को एंड करने का कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है।
कोई भी एक डोर क्लोज होगा दूसरे डोर खुलेगा ही खुलेगा। कभी भी आपका करियर आपका डाउन हो गया तो दूसरा करियर खुलेगा। कोई लड़की छोड़ के चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, कोई लड़का छोड़ के चला गया दूसरा आ जाएगा। भाई बहुत है, इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? तो हमारे न्यू जनरेशन के बच्चों अपने आप को संभाल के रखें और अपनी ये जो प्यारी ब्यूटीफुल लाइफ है उसको अपने लिए अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे से जिएं और आगे बढ़ें। आई होप मेरी बातें सबको समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच।